श्री विश्वनाथ ओगरधानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली संपूर्ण विश्व में
भगवत भक्ति का एक अविरल तत्व प्रदान करने वाली है। ऐसी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना, भगवान शिव की पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देव आदिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। देपालपुर के पावन धरा देपालपुर की पावन पुण्यमय आनंदमय भूमि जहाँ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण विराजमान हैं, पूज्य संत शिरोमणि जयकरण दास जी महाराज जी की तपोस्थली जहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण भगवान अपने आनंद के साथ में विराजित है, ऐसी पुनित पावन देपालपुर की धरा पर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से आप और हमको प्राप्त हुआ है। स्वर्गीय बाबू सिंह जी पटेल, स्वर्गीय लीलाबाई पटेल, स्वर्गीय राधेश्याम जी पटेल, स्वर्गीय नितेश जी पटेल जी की स्मृति में श्री कैलाश जी पटेल बमोत्रे परिवार बिचोली मर्दाना से ये पावन शिव महापुराण की कथा का आयोजित किए हैं। एक बार जजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पुनित पावन शिव महापुराण की कथा को संपूर्ण विश्व में देपालपुर की पावन धरा से श्रवण कराया है। कौटि कौटि पुण्य प्रबल होते हैं, कौटि कौटि पुण्य जागृत होते हैं, तब जाकर कहीं शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल पाती है। मानव की देह प्राप्त कर लेना और मानव की देह को प्राप्त कर भगवान की अविरल भक्ति में डूब जाना, ये कोई साधारण सी बात या साधारण सा विषय नहीं है। ये बहुत कठिन विषय, कहीं देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये मनुष्य की देह मिल तो जाती है, पर मिलने के बाद भी हम इसको कहीं ना कहीं गलत जगह पर लगा देते हैं। और यदि फटे बांस की तरह आवाज आ रही है, उसको देख ले बाबा, और यदि मनुष्य की देह मिल भी गई
और मिलने के बाद भी हम उसको भगवान की विरल भक्ति में नहीं डुबा सके। हम भगवान के भजन में नहीं जा सके, हम भगवान की विरल भक्ति की ओर अग्रण्य नहीं हो पाए, तो फिर इस मानव के देह का कोई मूल तत्व नहीं है। इतनी इतनी दूर से आप कथा श्रवण करने के लिए आते हो, कोई 50 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 22 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 150, कोई 500, कोई 700, इतनी दूर दूर से आप कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, और इतनी दूर से कथा सुनने आने के बाद भी यदि श्रेष्ठता से हम उसको ग्रहण ना कर सकें तो हमारा जीवन व्यर्थ है। कुछ देर का सत्संग ध्रुवजी महाराज को प्राप्त हुआ और कुछ देर का सत्संग जो ध्रुव जी महाराज को प्राप्त हुआ उस कुछ देर के सत्संग से ध्रुव जी महाराज ने ऐसी भक्ति को प्राप्त कर लिया, ऐसी भक्ति को प्राप्त कर लिया कि भगवान नारायण को पाने का एक मार्ग निश्चित कर लिया। भगवान नारायण को पाने का एक मार्ग निश्चित कर लिया। अब माता सुनीति के पास ध्रुव जी महाराज पहुंच गए और माता सुनीति के पास ध्रुव जी महाराज जब पहुंचे और मां ने पूछा कि तुम बुआ जी के घर गए थे। माता प्रसूति के यहाँ आप पहुंचे थे, तो आपने प्रसूति माता के यहाँ से जो ग्रहण कर आए हो, प्रसूति माता के यहाँ से जो सीख कर आए हो, प्रसूति माता के यहाँ से जो लेकर आए हो, वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको फल की अनुभूति जरूर कराएगा। कहीं ना कहीं भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त जरूर कराएगा। अब भगवान देव अधिदेव महादेव की जो तुमने रस तत्व कथा को ग्रहण किया है, जिस सत्संग को तुमने ग्रहण किया है, जिस भजन को तुमने ग्रहण किया है, जिस कीर्तन को तुमने ग्रहण किया है, उसको दड़ी बनाना है। और जब दड़ी बन जाएगा तो जिसको तुम पाने का प्रयास करोगे वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। एक बात ध्रुव जी के ये चरित्र से हमें सीख लेना चाहिए, ध्रुव जी महाराज की कथा से ये हमको ग्रहण कर लेना चाहिए कि हम मंदिर तक जा रहे हैं, हम भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं, हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हम भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, हम भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं, हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, यदि उसकी चौखट तक, उसके दरवाजे तक, उसके मंदिर तक, उसकी कथा तक
हम पहुंच रहे हैं, तो ये निश्चित है कि आप भगवान की निगाह में हो और भगवान आपको कुछ अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है। यदि हम उसकी चौखट तक जा रहे हैं, यदि हम उसके द्वार तक जा रहे हैं, यदि हम उसकी कथा तक जा रहे हैं, यदि हम उसके चौखट तक पहुंच रहे हैं, हम उसके दरवाजे तक यदि पहुंच रहे हैं, तो ये अपने भीतर ये भाव आ जाना चाहिए कि हम उसकी दृष्टि में हैं, हम उसकी निगाह में हैं। और जिस दिन हम भगवान की कथा तक ना जा पाए, जिस दिन हम भगवान के मंदिर तक ना जा पाए, जिस दिन हम भगवान की चौखट तक ना जा पाए, जिस दिन हम भगवान के द्वार तक ना जा पाए, जिस दिन हम भगवान की कथा तक ना पहुंच पाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि उस परमात्मा ने अपनी दृष्टि हम पर से हटाई। एक बच्चा जब माँ पिता पास में होते हैं तो बच्चा टेबल पर चढ़ता है, कुर्सी पर चढ़ता है और कूदता है। क्या बच्चे को भय नहीं है? बच्चे को भय है कि मैं गिर जाएगा, लग जाऊंगा, ये भय बच्चे को रहेगा। परंतु माता पिता अगर वहां पर विराजमान हैं, माता पिता अगर वहां पर मौजूद हैं, माता पिता अगर वहां पर हैं, तो बच्चा टेबल पर से कूदता है, कुर्सी पर से कूदता है, पलंग पर से कूदता है, और वो बच्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कूद रहा होता है, क्योंकि उसको ये भान है कि मेरे माता पिता मेरे पास में है। मेरे माता पिता मेरे पास में है, ये उसको भान है। और अगर मैं गिर भी गया, मैं कहीं मुझे चोट लग भी गई, तो मेरे माता पिता मुझे गोदी में झेल ले, गोदी में उठा ले, ये उसको भान है, ये उसके स्मरण में है, ये उसके चित्तवृत्ति में है। उसी तरह माता पिता नजदीक में है तो बच्चा कूदता है टेबल पर से, कुर्सी पर से, उसको भान रहता है कि ये मुझे गोदी में झेल लेंगे। आप मंदिर जा रहे हो, आप शिवालय जा रहे हो, एक लोटा जल भगवान शिव जी को रोज प्रतिदिन चढ़ा रहे हो, रोज महादेव की दृष्टि में आप आ रहे हो, रोज शिवालय जाकर, रोज टीवी पर, मोबाइल पर कथा पंडाल में कहीं ना कहीं कथा को श्रवण कर रहे हो, तो ये समझ लेना जैसे माता पिता के रहते हुए बच्चा टेबल पर से कूद जाता है, पलंग पर से कूद जाता है, और माता पिता सम्मुख रहते हैं तो बच्चे को भय नहीं रहता। आप प्रतिदिन शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, कथा सुन रहे हो, तो तुम भी ये स्मरण में रखना कि भोलेनाथ और माता पार्वती माता पिता के रूप में हमारे साथ है, तो हमें भी संसार का भय नहीं, हमें संसार सागर का भय नहीं है। इस संसार सागर से फिर हमें भय से मुक्त होकर रहना। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, ले विश्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले, ओमकार तू आयुष तार तू। हम
मंदिर तक जा रहे हैं, हम देवालय तक जा रहे हैं, हम शिवालय तक जा रहे हैं, उसके बाद हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो हमें भय नहीं है, क्योंकि हमारा माता पिता हमारे शिव, हमारे पार्वती, हमारे ओघड़दानी, हमारे त्रिकालदर्शी, हमारे कैलाशी, हमारे शिव हमारे साथ में है। हमारे भोलेनाथ हमारे साथ में। शिव कथा कह रहे हैं, माता प्रसूति के यहां से ध्रुव जी महाराज जो सीख कर गए थे, जो उन्होंने स्मरण करा था, जो प्राप्त किया था, उस प्राप्त करने के बल पर उन्होंने भगवान विष्णु को प्राप्त करा। कथा के पंडाल में जब भी आप कथा सुनने के लिए आए, कथा के पंडाल में जब भी कथा श्रवण करने के लिए आए, या टीवी के सामने आप 1 बजे से 4 बजे तक या 2 बजे से 5 बजे तक जब भी विश्व महापुराण की कथा को आप श्रवण करें, तो आपके भीतर यह भान होना चाहिए कि हम जो ग्रहण कर रहे हैं उसमें से थोड़ा अपनी जिंदगी में हम उतारे, हम जो ग्रहण कर रहे हैं उसको अपने जीवन में थोड़ा सा उतारने का प्रयास करें। हम जो ग्रहण कर रहे हैं उसको अपने जीवन में थोड़ा ना थोड़ा रूप में हम उसको उतारने का प्रयास करें। एक बड़ी सुंदर कथा कवृतांत शिव महापुराण में आता है। एक पन्यारन जिसका काम था पानी को भरना, सेठ जियों के घर जाना, लोगों के घर जाना और पानी भरने, उनके घर में पानी भर कर आना पन्यारन का काम था। और बड़ी विचित्र पन्यारन थी, ये जितने ग्रामीण लोग बैठे हैं, पुराने लोग बैठे हैं, जितने भी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनके स्मरण में होगा। पहले एक लंबा डंडा बांस बांधा जाता था और उसमें आगे इधर 2 पीपे लटका देते थे, पीछे 2 पीपे लटका देते थे। जिसने देखा होगा बुजुर्गों ने, उनके स्मरण में होगा। पीछे भी लोहे का या पीपा इसमें लकड़ी लगी होती थी, वो पीपा पीछे लटका रहता था, आगे भी लटका रहता था कांवड़ जैसे। और कोई पनिहार, कोई पानी भरने वाला, उन सेठ जी के घर में जब शादी होती, ब्याह होता, फंक्शन होता, कोई कार्यक्रम होता, तो ये पानी का टैंकर वैंकर ये तो बाद में चालू हुआ, ये सब पानी की टंकी टैंकर ये सब बाद में चालू हुआ। उसका काम ही पन्यारन का ही होता था कि जब घर में ब्याह होता था, कोई कार्यक्रम होता था, कोई बच्चे का जन्म होता था, मेहमान ज्यादा आ जाते थे, तो पन्यारन का काम क्या होता था, वो पानी का वो डंडा उठाकर जाती थी, या वो पुरुष पनिहारी पानी का डंडा उठाकर जाते थे कुएं में से पानी खींच के दोनों में भरकर कंधे पर लेकर आके, और उनका काम था बस रसोई घर में, वॉशरूम में, इधर उधर वो पानी भरते रहते थे। किसी किसी ने देखा होगा, आप में से किसी ने देखा है कि नहीं देखा, कभी देखा तो हाँ स्मरण में होगा, जो बुजुर्ग होंगे ना उनके पूर्व में, अभी तो पानी के टैंकर आ गए, अभी तो टंकियां आ गई, तो अब भले देखने को नहीं मिलता हो, पर पूर्व में जो पानी भरने वाले होते थे पनिहारी होते थे, और आप सब तो पटेलों के घर से हो तो आपके तो ज्यादा स्मरण में होगा जी, पानी भरने वाले आते ही थे, स्मरण में होगा। अब वो डंडे में पीपे बंधे आगे भी, पीछे बंधे पीपे, और पानी लेकर चली जा रही। अब जो पनिहारन थी ये बड़ी विचित्र थी, पानी भरने के लिए चलती, भजन करते करते चलती, स्मरण करते करते चलती, कीर्तन करते करते चलती, मंत्र जाप करते करते चलती, ये बड़ी विचित्र थी। इसका एक नियम था, कुएं में से पानी भरकर लेकर जाती, सेठ जियों के घर में पानी भरती, वहीं पर एक वीरान में
एकांत में एक शिवालय था, शिव का मंदिर, जिसमें कोई पुजारी भी नहीं था, कोई पंडित भी नहीं था, कोई विद्वज्जन भी नहीं था। कई कई शिवालय शिवलिंग, कई कई शिव मंदिर ऐसे रहे हैं। आप लोगों के स्मरण में होगा, शिव पुराण जब नहीं चालू हुई थी उससे पहले जितने भी शिवालयों का आप दर्शन करेंगे, कई शिवालय आपकी जिंदगी में ऐसे मिले होंगे जो शिवालय में ताला ही डला रहता था, जो शिवालय में कोई नहीं जाता था, केवल शिवरात्रि पर सावन महीने में या कभी कोई भूले चुके सोमवार के दिन लोग चले जाते थे। ऐसे कई शिवालय थे, ऐसे एक दो शिवालय नहीं थे, ऐसे कई शिवालय थे। वो तो वेद व्यास जी महाराज का बड़ी कृपा हुई और वेद व्यास जी महाराज की बड़ी करुणा हुई जिन्होंने ये शिव महापुराण की रचना करी, और वो शिव महापुराण की रचना करी और जनमानस तक वो शिव पुराण पहुंच गई, तो शिवालयों में भी भक्तों का जमावड़ा चालू हो गया, भक्तों का जाना प्रारंभ हो गया। ये तो उन देवाधिदेव महादेव की कृपा है, ये भगवान शिव की करुणा है, उसकी उदारता है। अब पनिहारन पानी लेकर जाती शिवालय एकांत में, शिव मंदिर था। अब उस शिव मंदिर में कोई जाता ना जाता, बस वो अकेला शिवलिंग वहां पर। एकांत में शिवलिंग अकेला। पनिहारन का नियम था, सेठ जी के यहां से उसने विनती कर निवेदन कर नमन कर पनिहारन ने एक हंडा, एक पानी का मटका, एक सुंदर सा हंडा पनिहारन ने सेठ जी से मांगा, और मांगकर मंदिर के द्वार पर उसको एक कोने में वो मंदिर के पास में उसने रख दिया। अब मंदिर के पास में रखा और पनिहारन क्या करती, कुएं में से पानी लेकर आती और पानी लाती, सेठ जी के यहाँ जाती तो थोड़ा थोड़ा पानी उस मटके में उस हंडे में डालती हुई चली जाती। अब हंडे में मटके में रोज पानी ले जाकर डालती डालती अपना पानी भरने चली जाती, उसका नियम था, उसने नियम लिया। उसने सोचा कि कोई भी आएगा पानी भरेगा, शिवजी को समर्पित करेगा, या आता जाता पथिक पानी पीता पीता चले जाए। अब कितना सुंदर विचार उसकी बुद्धि में, उसके चित्त में आया कि वो पनिहारन पानी के हंडे में पानी डालती और चली जाती, कोई शिवजी को चढ़ा देता, कोई पी लेता, कोई अपने आनंद में उसको ग्रहण कर लेता, तो ये उसने हंडे में पानी भरना प्रारंभ कर दिया। समय बीता, इस पनिहारन का कोई भी नहीं था, ना इसका पति था, ना इसके रिश्ते थे, ना इसके नाते थे, ना इसका कोई कुटुंबी था, ना इसके घर में कोई संतान थी। समय बीतता 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 6-8 महीने हो गए, महीने निकलते गए, वर्ष हो गया, वर्ष निकला, डेढ़ वर्ष निकल गया, डेढ़ वर्ष जो इसने हंडे में पानी भरती थी चली जाती थी। एक दिन उसी शिवालय के बाहर एक छोटा सा बच्चा कोई छोड़कर चले गया। शिवालय के बाहर छोटा सा बच्चा कोई छोड़कर चले गया, और शिवालय के बाहर जब छोटा सा बच्चा कोई छोड़कर गया, पनिहारन ने उस बच्चे को देखा और पनिहारन उस बच्चे को गोदी में उठाई। सबको आवाज लगाया पनिहारन ने, सबको चिल्ला चिल्ला कर कह रही है किसकी संतान है, किसकी औलाद है, किसका छोरा है, किसका छोरा है, किसका छोरा है, सबको आवाज लगा रही, सबको कह रही, कोई उस बच्चे को लेने के लिए नहीं आया, कोई उस बच्चे को प्राप्त करने के लिए नहीं आया। कोई लेने नहीं आता, बहुत बहुत आवाज लगाई गई, बहुत कहा गया, पर कोई नहीं।
पन्यारन ने नियम बनाया, बच्चे को लेकर घर चली गई, रोज आती, रोज बैठ जाती। सेठ जी ने आकर पूछ लिया पन्यारन से, क्यों तू आजकल जल भरने नहीं आ रही है, पानी भरने नहीं आ रही है? अरे सेठ जी, द्वार पर एक बच्चा शिव मंदिर के द्वार पर मिल गया, वो छोटा सा बच्चा रो रहा था, मैंने गोदी में ले लिया, मैं रोज मंदिर की चौखट पर आकर बैठती हूँ, ये बच्चा जिसका हो वो लेकर चले जाए। रोज आवाज लगाती हूँ, रोज चिल्लाती हूँ, पर कोई आता ही नहीं है। सेठ जी ने बड़ी सुंदर बात कही पन्यारन से, पन्यारन सुन, तू मेरे यहाँ से एक हंडा मांग कर ले गई थी, एक मटका मांग कर ले गई थी, वो तूने शिवजी के द्वार पर ले जाकर रख दिया था और उसमें रोज पानी भरती चली जाती थी, रोज जल डालती चली जाती थी, तेरा कोई नहीं था ना, इसलिए देवाधिदेव महादेव ने सुनकर तेरी खाली झोली में एक बेटा दे दिया। ये कैसे कृपा करता है ये वही जान सकता। एक बच्ची ने एक पत्र लिखा है, उज्जैन नगरी से हूं, क्रिस्टल मकवाना मेरा नाम है, मेरे पिता का नाम महेश मकवाना है, माता का नाम गायत्री मकवाना है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। मेरा नाम क्रिस्टल मकवाना, पिता का नाम महेश मकवाना, माता का नाम गायत्री मकवाना है गुरुजी। 2022 से कथा सुन रही हूँ गुरुदेव, कुछ ही समय हुआ है कथा सुनते सुनते। मेरी 11वीं की परीक्षा थी, आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण बस 3 वर्ष से स्कूल की फीस जमा नहीं हुई थी। जब 3 वर्ष से स्कूल की फीस जमा नहीं हुई तो स्कूल वालों ने परीक्षा देने से मना कर दिया। कथा में आप कहते हो गुरुजी, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, 3 साल की फीस कैसे जमा करते, बस जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया और बाबा से रोज प्रार्थना करती कि मैं 11वीं में पहुंच गई हूं, 3 साल से स्कूल की फीस जमा नहीं है, परीक्षा देने का मना कर दिया है, अब फीस आपको भरना है बाबा। एक लोटा जल रोज चढ़ाती, शिव जी से प्रार्थना करती और बाबा की कृपा ऐसी हुई, मेरी टीचर का फोन आया और कहती है कि तुम परीक्षा देने बैठ सकती हो, फीस की व्यवस्था किसी ने कर दी है। ये शिव तत्व। बेटी ने एक फोटो भी बड़ा सुंदर बनाकर भेजा, एक बार बच्ची के लिए जोरदार ताली बजाएं। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी, आप उस पर कर रहे हो भरोसा, आप उस पर कर रहे हो विश्वास, और जब भरोसा और विश्वास दृढ़ होता है, प्रबल होता है, तो वो परमात्मा का साक्षीकरण, वो परमात्मा का दर्शन अवश्य हो। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में किसी ने पशुपति व्रत करा हो, मोहल्ले में अगर 10 लोगों ने पशुपति व्रत करा हो तो हो सकता है कि 1 या 2 लोग या 3 लोगों का कार्य नहीं हुआ हो, वो हो सकता है किसी कारणवश फाइल मोटी हो तो धीरे धीरे पन्ना पलटने में भगवान भोलेनाथ को देरी लग रही हो, पर मेरा विश्वास करता है जो दिल से करता है मेरा महादेव दिल से देता भी है, ये निश्चित है। जो दिल से करा जिसने, उसको दिल से दिया है उसने, कमी नहीं रखता, खाली नहीं छोड़ता, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्नी बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्नी बाहें पसारे।
अपने हृदय से लगा लो गिरिजा रही उठा लो उठा। भगवान की भक्ति में जो डूबता चले जाता है, भगवान के स्मरण में जो डूबता चले जाता है, परमात्मा उसको संभाल लेता है। मेरा शिव उसको साध लेता है। पनिहारन ने बच्चे को गोदी में ले लिया, सेठ जी ने कह दिया तूने जो शिव जी के मंदिर में हंडा रखा है, जो तूने शिव जी के मंदिर में घड़ा रख दिया, तूने शंकर के मंदिर में हंडा रख दिया, और उसमें अगर कोई तू पानी डाल रही है, तू जल भर रही है, तू जल भरते जा रही है, जल भरते जा रही है, तो मेरे ओगड़दानी ने, मेरे शिव जी ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी ने सुन लिया, मेरे शंकर ने वो सुन लिया, इसलिए तेरी गोदी में ये पुत्र दे दिया, तेरी गोदी में ये बेटा दे दिया। अब तू इस बेटे को रख ले। 20 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, एक महीना हो गया, इस बच्चे को तू अपने पास रख। पनिहारन ने उस बच्चे को अपने पास में रख लिया। अब धीरे 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 करके वो बच्चा बड़ा हो गया। धीरे धीरे करते हुए वो बच्चा जब बड़ा हो गया, और बालक जब बड़ा हुआ, बच्चा जब बड़ा हो गया, और बच्चा जब छोटा सा अवस्था धारण करते करते 4.5 वर्ष, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का बालक हो गया, पनिहारन पानी भरने जाती तो बच्चे को कैसे लेकर जाती, छोटा था पीछे बांध लेती थी, बच्चा बड़ा हो गया साथ में कहाँ कहाँ लेकर जाए, किन किन सेठ जी के यहाँ लेकर जाए, कितना तकलीफ उस बच्चे को होगा। तो पनिहारन ने एक नियम बना लिया, जब पानी भरने के लिए जाती तो बच्चे को शंकर जी के मंदिर में छोड़ जाती। भगवान शिव जी के मंदिर में पनिहारन उस बच्चे को छोड़कर चली जाती, और पनिहारन जब भगवान शंकर के मंदिर में छोड़कर चली जाती, बच्चा शिव जी के मंदिर में रहता, पूरे मंदिर की सफाई करता, मंदिर का साज सजाता, शंकर भगवान का श्रृंगार करता, कहीं पत्तियों को तोड़ तोड़ कर लाकर भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित करता, भगवान शंकर का श्रृंगार करता, भगवान शंकर की भक्ति में डूबा रहता, भगवान शिव जी को जितना सजा सकता था, जितना श्रृंगार कर सकता था, जितनी भक्ति कर सकता था, जितना आनंद में डूब सकता था, उतना करता रहता महाराज। जितनी कर सकता था उतना करता वो। और मेरा बच्चों से भी निवेदन है, दादी घर की माँ, घर का पिता, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, जब घर में भगवान की सेवा कर रहा हो, श्रृंगार कर रहा हो, भगवान की भक्ति में जब डूबा पड़ा हो, घर के बच्चों से निवेदन है, उसको देखकर आप भी भगवान की सेवा को, भगवान के श्रृंगार को समझने का प्रयास करिएगा। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो
चली जाती है। और बच्चे को जब छोड़कर पनिहारन चली जाई, बच्चा शिव की सेवा में, भगवान शंकर की भक्ति में, भगवान शिव की उपासना में लग गया। और बच्चा जब भगवान शिव की आराधना में, भगवान शंकर की भक्ति में रम गया, इतना रम गया कि शिव भजन के बिना, शिव भक्ति के बिना, शिव स्मरण के बिना एक क्षण भी नहीं रह पा रहा, एक क्षण। एक घड़ी भी वो शिव भक्ति के बिना नहीं रह पा रहा। जब एक घड़ी भी वो शिव भक्ति के बिना नहीं रह सकता, पनिहारन आती, बच्चे को लेकर चली जाती। समय ऐसा बीतता गया कि पनिहारन बच्चे को मंदिर में छोड़ती, केवल लेकर चली जाती। बच्चा दिन भर भूखा रहता, दिन भर कुछ भी भोजन नहीं करता, कुछ भोजन ग्रहण नहीं करता। बच्चा जब बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं करता, पनिहारन को लगा कि ये रोज घर पर आता नहीं, भोजन ग्रहण करता नहीं, बड़ा छोटा सा बालक है, कितना कष्ट भोग रहा होगा, कितनी तकलीफ आ रही होगी, कितना दुख हो रहा होगा, कितनी कष्ट, कितना दुख, कितनी तकलीफ आ रही। अब विचार किया, सोचा क्या करा जाए। पनिहारन ने एक कपड़े के अंदर दो रोटी बांध लेती, थोड़ा सा चटनी जो भी प्रसाद होता वो बांध कर भोजन बनाकर अपने उस बच्चे को दे देती, जिसका नाम उसने हर रखा था। क्या नाम रखा था? हर। उस हर को देकर आ जाती और उस हर को वो भोजन प्राप्त हो जाता। अब हर ऐसा कि भगवान की भक्ति में इतना डूबा भगवान की भजन में, इतना डूबा भगवान की भक्ति में, इतना स्मरण में डूबा रहा कि जो माँ भोजन रख कर भी जाती तो वो हर भोजन नहीं कर पाता था। अगर मान लो वो भोजन रखकर चली भी जाती तो वो भोजन नहीं कर पाता, क्योंकि भक्ति में इतना डूबा हुआ था, वो भजन में इतना डूबा हुआ था। अब एक दिन माँ ने देखा कि बच्चा बड़ा दुर्बल हो गया, बड़ा दुबला सा दिख रहा है, बड़ा दुर्बल दिख रहा है। माँ ने पूछ लिया, हर तो भोजन नहीं करता क्या, तो भोजन ग्रहण नहीं करता क्या? हर ने अपनी माता के चरणों को प्रणाम कर कहा, माँ शंकर जी की सेवा में लगा रहता हूं ना, उनकी सेवा में लीन रहता हूं ना, तो मुझे भूख भी नहीं लगती। माँ का हृदय क्षुब्ध हो गया कि छोटा सा बच्चा और ये भोजन तक ना करे, शिव जी की सेवा में लगा हुआ है। छोटा सा बच्चा और भोजन भी नहीं कर रहा, भोजन भी ग्रहण नहीं कर रहा है। विचार किया, मां ने कहा कल से भोजन अगर मैं देकर जाऊंगी तो नियम, भोजन में अपने हाथों से तुझे कराकर जाऊंगी। बड़ी बड़ी सुंदर चरित्र है ये हर का, बड़ा सुंदर चरित्र है ये पनिहारन का। आप अपनी जिंदगी में इसको थोड़ा सा उतारने का प्रयास करोगे तो एक आनंद की अनुभूति होगी। मैं अपने हाथों से भोजन करा कर जाऊंगी, मैं अपने हाथों से भोजन देकर जाऊंगी। ठीक है माँ। माँ रोज आती पनिहारन, सेठ जी के यहाँ पानी भरने जाती तो पहले भोजन अपने बेटे को, शिव जी को भोग लगाती
और फिर अपने बेटे को खिलाकर चली जाती। रोज प्रतिदिन का नियम बन गया, महीनों निकल गए, जो जैसा कर रही थी पनियारन बस रोज आती, सुबेरे भोजन अपने बेटे को कराती, शिव जी को भोग लगाकर बेटे को भोजन कराकर पनियारन चली जाती। धीरे 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 समय निकल गया और आज इतनी आंधी तूफान चल गया, इतना आंधी तूफान चल गया, जलवृष्टि होने लगी, पानी गिरने लगा। नदी के पार पनियारन रहती थी, इतना पानी नदी में भरा गया कि पनियारन 5 दिन तक शिव जी के मंदिर नहीं जा सकी और बेटा 5 दिन तक शंकर के मंदिर में है और पनियारन 5 दिन तक अपने घर में विराजमान। मंदिर में बेटा है, घर में मां है, बीच में नदी उफान भरकर बह रही है, नदी उफान भरकर बह रही है। पांच दिन हो गए, हर बच्चे ने 7 वर्ष के 5.5-6-7 साल के उस बच्चे ने एक अन्न का निवाला मुख में नहीं रखा। 5-7 वर्ष का वो बच्चा, 5 दिन हो गए, एक अन्न का निवाला उस हर बच्चे के मुख में नहीं गया, एक अन्न का निवाला उस हर बच्चे के मुख में नहीं गया। देखा शंकर भगवान का कैलाश धाम, जो हर बालक शिव जी के मंदिर में सेवा करता था वो शंकर जी का शिवालय हिल रहा है। पार्वती मैया ने पूछ लिया, आज इस शिवालय का हिलने का कारण क्या, आज कैलाश क्यों हिल रहा है, कैलाश क्यों डोल रहा है। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती एक छोटा सा बच्चा 5 दिन से उसके मुख में निवाला नहीं गया। क्यों नहीं गया? उसकी मां रोज भोजन लेकर आती थी, प्रतिदिन मां भोजन लेकर आती थी प्रतिदिन। और प्रतिदिन मां जब भोजन लेकर आती, प्रतिदिन मां जब भोजन लाती तो इसको खिलाती। पर नदी में आज उफान आ पड़ा है, इतनी आंधी तूफान चल रहा है, इतना जलवृष्टि हो रहा है और उफान आ पड़ा है नदी में। माँ उधर रह गई, बेटा उधर रह गया, पानी इतना ज्यादा है कि माँ जा नहीं सकती, भोजन कौन कराए। पार्वती जी ने कहा, आप चिंता मत करो, क्यों टेंशन ले रहे हो प्रभु, एक काम करती हूँ, मैं स्वयं जाकर पनिहारन बनकर हर बच्चे को भोजन करा कर आती हूँ। जब हमारा पूरा जीवन हम महादेव पर छोड़ देते हैं तो पेट भरने की जवाबदारी भी महादेव की हो जाती है। हमारा संपूर्ण जीवन जब हमने महादेव पर छोड़ दिया, हमारा संपूर्ण जीवन हमने भगवान शिव पर छोड़ दिया तो पेट भरने की जवाबदारी उसकी हो गई। फिर हमारी जवाबदारी सब समाप्त हो गई। एक बूढ़ी मां बार बार बात बात में कह देती है, वो तो मैं हूं तो घर चल रहा है, वो तो मैं हूं तो घर चल रहा है, वो तो मैं हूं तो घर संभाल रही हूं। जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो बार बार कहे कि मैं हूं घर चल रहा है, मैं हूं घर चल रहा है, तो उनसे कह दो आधे घंटे के लिए मरी जा, तुम्हारे रहने से घर चल रहा है तो तुम्हारे मरने के बाद घर चलेगा कि नहीं चलेगा वो भी तो देखें। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमको लगता है दुकान हम चला रहे हैं, हमको लगता है घर हम चला रहे हैं, हमको लगता है परिवार हम चला रहे हैं, हमको लगता है समाज के लिए हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, हमको लगता है दुनिया के लिए हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो तो भगवान ने तुमको निमित्त बनाया है इसलिए तुम कर रहे हो, नहीं तो तुम्हारे जैसे ढेर पड़े हैं, उस शिव के भक्त ढेर पड़े। कभी अहंकार में ना फूलिए। मिट्टी, मानव और मंत्र, ये तीनों छोटे नहीं होते हैं, लोग इनको छोटा मानते हैं। मिट्टी, मानव और मंत्र, ये कब प्रबल होकर तुम्हारे सामने आ जाए कोई भरोसा नहीं होता। जो मिट्टी तुम्हारे पांव के नीचे है, जो मिट्टी तुम्हारे पैर की धूल है, एक दिन वही मिट्टी तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे ऊपर आकर पड़ जाती है।
जो मिट्टी पांव की धूल है, जो मिट्टी पैर की धूल है, तो मिट्टी मानव और मंत्र कभी छोटे नहीं होते। मिट्टी जो पैर की धूल कहलाती है, पांव में रहती है, वो तुम्हारे मरते ही तुम्हारी छाती पर, तुम्हारे मुख पर आकर पड़ जाती है। और मानव, जिस मनुष्य को हम छोटा समझते हैं, ये कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, जिसको लोग धिक्कार देते हैं, जिसको लोग ठोकर मार देते हैं, जिसको लोग अपशब्द कहकर भगा देते हैं, जिसको लोग ताना देकर भगा देते हैं, एक ना एक दिन वही तुम्हारे सामने कुछ कर कर दिखा कर सामने खड़ा मिलता है। मिट्टी, मानव और मंत्र, जिस मंत्र को हम भजना नहीं चाहते, जिसको हम बोलना नहीं चाहते, हमें राम नाम नहीं लेना, हमें कृष्ण नाम नहीं लेना, हमें शिव नाम नहीं लेना, जिस मंत्र को हम भजना नहीं चाहते, जिसका हम भजन नहीं करना चाहते, जिसका हम स्मरण नहीं करना चाहते, जिस नाम को हम लेना नहीं चाहते, तुम्हारे मरते समय भी तुम्हारे परिवार वाले तुमसे कहते हैं, अब राम राम बोल लो, अब भगवान का नाम बोल लो, अब भगवान का भजन कर लो, वो मंत्र तुम्हारे मृत्यु के बाद भी तुम्हारे सिर पर घूमता रहता, उस मंत्र का स्मरण। एक रघु, रघु उसका नाम रघु था, पर इतना व्यस्त रहता, इतना व्यस्त रहता, 24 घंटे काम में लगा रहता, कभी भगवान का भजन नहीं करता था। वो 4 बेटे थे उसके, अंतिम सांसें चल रही है उसकी, मृत्यु के घाट पर पड़ा है, अंतिम सांसें चल रही है, मरने जा रहा है, प्राण छूटने जा रहा है, और पलंग पे पड़े पड़े अपनी पत्नी पास में बैठी थी, और पत्नी कह रही थी, सुनो जी, तुम्हारे प्राण छूटने वाले हैं, राम कह लो, कृष्ण कह लो, भगवान का भजन कर लो, ईश्वर को याद कर लो, परमात्मा को याद कर लो। रघु धीरे से कर्मठ बदलता बदलता बोला, मेरा पहला बेटा कहाँ है? पत्नी करी तुम बच्चों को याद कर रहे हो, पत्नी करी तुम बच्चों को याद कर रहे हो, बेटे को याद कर रहे हो, अरे तुम्हारे प्राण छूटने वाले हैं, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, ईश्वर को याद करो, शिव जी को याद करो, मेरा पहला बेटा कहाँ है? पत्नी ने कहा, वो डॉक्टर को छोड़ने के लिए गया है। पति थोड़ी देर लेटा, फिर चिल्ला कर पूछा, मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? पत्नी बोली, बेटों को याद मत करो, भगवान को याद करो, ईश्वर को याद करो, प्राण छूटने का समय है तुम्हारा, अंतिम क्षण चल रहा है तुम्हारा, मरने वाले हो, ईश्वर को याद करो। पति बोला, मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? पत्नी बोली, वो दवाई लेने के लिए गया है। पति फिर कर्मठ बदलता हुआ बोला, मेरा तीसरा बेटा कहाँ है? पत्नी बोली, वो तुम्हारे पांव दबा रहा है, तुम भगवान को क्यों नहीं भज रहे? तुम राम को क्यों नहीं भज रहे? तुम कृष्ण को क्यों नहीं भज रहे? शिव को क्यों नहीं भज रहे? पति कर्मठ बदलता बदलता बोला, मेरा चौथा बेटा कहाँ है? पत्नी बोली, वो अंदर पानी लेने गया है तुम्हारे लिए। इतने में रघु उठते से ही बोला, चारों की चारों यही मर रहे हैं, तो दुकान पर कौन बैठा है? मरने जा रहा, प्राण छूट रहे हैं, अंतिम श्वास चल रही है, और याद क्या आ रही है? बोलो रे देवपालपुर वालों, जरा बोलो, दुकान याद आ रही है। कई लोग ऐसे बैठे हैं उनमें, वो सोच के बैठे हैं, अभी तो कमाने की उम्र है, अभी तो खाने की उम्र है, अभी तो घूमने की उम्र है, अभी तो ये उम्र है, जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान का भजन कर लेंगे। जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते चले जाता है, भगवान का भजन कम हो पाता है, भगवान से लगन कम लग पाती है, और चाबी से और छोरा छोरी से और भोजन में और घर में छुपकली जैसा प्रेम बढ़ जाता है। छुपकली को देखा है तुमने? छिपकली, वो छिपकली को भगाओ, वापिस बल्लब के पास पीछे छुप कर बैठ जाए। छिपकली को भगाओ, वापिस मरकन्नी के पीछे, ट्यूबलाइट के पीछे छुप कर बैठ जाए। छिपकली को भगाओ, वापिस दरवाजे के पीछे छुप कर बैठ जाए। कौन है ये छिपकली? कभी अनुमान लगा कर देखना, गरुण पुराण को अच्छे से पढ़कर देखना कि छिपकली का जन्म किसको मिलता है। जो सत्संग
नजदीक में हो रहा हो, घर के पास में भजन हो रहा हो, मंदिर घर के पास में हो, सत्संग घर के पास हो रहा हो, कथा भागवत शिव पुराण रामायण गीता तुम्हारे घर के पास हो रही हो, जो अपना घर छोड़कर एक मिनट के लिए भी सत्संग में नहीं जाता उसका अगला जन्म छुपकली का हो जाता और उसी घर में चिपक जाता है। तो तुम आज घर पर जाकर लड्डू बनाकर खाना, क्योंकि 84 लाख योनि में एक योनि है छिपकली की, तो तुम छिपकली नहीं बनोगे, पड़ोसन बन सकती है। तो तुम्हें प्रसन्न होने की बात है कि मैं छिपकली नहीं बन सकती क्योंकि मैं भगवान की भक्ति में डूबी हूँ, मैं भगवान के भजन में डूबी हूँ, मैं भगवान के मंत्र में डूबी हूँ, मैं भगवान के स्मरण में डूबी हूँ, मैं भगवान के संकीर्तन में डूबी हूँ। पहले घर में टीवी नहीं होती थी तो पड़ोसी के यहाँ टीवी देखने जाते थे। अरे बोलो रिजी जी, सही है कि गलत है? घर में टीवी नहीं होती थी तो पड़ोसी के यहाँ टीवी देखने जाते थे। अपने घर में आम का पेड़ नहीं होता था तो पड़ोसी के घर में आम तोड़ने, अरे बोलो बोलो जम के बोलो, जाते थे। अपने यहां पर बेर का पेड़ नहीं होता था तो पड़ोसी के घर बेर तोड़ने जाते थे। कोई जरूरी है कि अपने घर में आम का पेड़ होना चाहिए? कोई जरूरी है कि बेर का पेड़ होना चाहिए? पड़ोसी के यहां तो है ना, तो वहां से तोड़कर खा लो, वहां से मांग कर खा लो, वहां से लेकर खा लो। पड़ोसी के यहां तो है ना, तो वहां से लेकर खा सकते हो। उसी तरह अपने घर में अगर कोई भजन नहीं करे, अपने घर में अगर कोई सत्संग नहीं करे, अपने घर में कोई भगवान का नाम नहीं लेने दे, तो पड़ोसन से बात कर कर उसके साथ बैठकर तो भजन कर सकते हो, उसके यहाँ जाकर तो नाम जाप कर सकते हो, उसके यहाँ बैठकर तो कीर्तन कर सकते हो। कोई जरूरी कि आम का पेड़ अपने यहीं होना चाहिए, बेर का पेड़ अपने यहीं होना चाहिए, कि अपने यहीं पर कीर्तन हो, अपने यहीं पर ना ना ना, वहाँ जाकर भी तो कर सकते हो, वहाँ जाकर भी तो प्राप्त कर सकते हो, वहां भी तो पहुंच सकते हो। घर में नहीं होता भजन, वो मालवा के संत श्री नागर जी महाराज का एक सुंदर वृत्तांत वो चरित भजन गाते ना, घर में नहीं होवे भजन गुरु जी तेरे पास बुला लेना, आश्रम के पीछे हो मारी झोपड़ी बना दे। नहीं हो घर में भजन, नहीं हो संकीर्तन, नहीं हो मंत्र जाप, नहीं हो स्मरण घर में, तो हम क्या बाहर जाकर नहीं कर सकते? कर सकते हैं भगवान का भजन, कर सकते हैं मंत्र जाप कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, स्मरण। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। मिट्टी पैर में रहती है, दुनिया के लोग भले रोंदे उसको, कब मिट्टी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी कोई भरोसा नहीं है। जिसको दुनिया ने धुतकारा, जिसको दुनिया ने लड़कारा, अपशब्द कहे, ताने दिए, ठोकर लगा दी, लात मार दी, फेंक दिया, उस मनुष्य ने भी एक दिन उन्नति पाली, एक दिन तरक्की पाली, तुम्हारे सामने आकर खड़ा है। मिट्टी को, मानव को और मंत्र को,
भगवान के नाम को कभी छोटा मत समझना, ये बड़े से बड़ा है, कभी भी उछल कर तुम्हारे सामने आ सकता है, कभी भी आ सकता है। किसी को छोटा मत समझो। एक घर में छोटा सा एक सेवक नौकर भी अगर काम कर रहा है तो उसको नौकर मत समझो। शिव महापुराण की कथा कहती है उसको परिवार का सदस्य समझकर काम में लीजिए। किसी को छोटा मत समझो। आप जिसको छोटा समझते हो एक दिन वही उन्नति कर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आप किसी को अपशब्द मत कहो, आप किसी को ताना मत दो, आप किसी को गाली मत दो, आप किसी को आड़तड़ा मत कहो, वो कब तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें मालूम नहीं पड़ पाएगा, सम्मुख में आ जाएगा वो। तो मिट्टी, मानव और मंत्र छोटे नहीं होते, ये कभी भी सम्मुख में आकर खड़े हो सकते हैं। मृत्यु के समय पर लोगों को लगता है कि मैं बचपन खेल में गया, वो गया खेल में गंवा दिया, जवानी भोग और विलास में निकल गई, अधेड़ी कमाने में निकल गई, आया बुढ़ापा और विचार करा कि ये बुढ़ापा है और ये बुढ़ापा कैसे निकलेगा, ये बुढ़ापे में मैं भगवान का भजन कर लूँगा, ये बुढ़ापे में मैं भगवान कीर्तन कर लूँगा, ये बुढ़ापे में मैं भगवत नाम जाप कर लूँगा, ये बुढ़ापे में मैं भगवान का स्मरण कर लूँगा। मालूम पड़े मृत्यु के समय पर, प्राण छूटने के समय पर भगवान का नाम मुख से निकल ही नहीं रहा। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा, बुढ़ापे में हाथ भी कांपेंगे, सेवा कर नहीं पाओगे। सेवा करो भरी बुढ़ापा किसने देखा, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
बुढ़ापे में घुटने दुखेंगे, बुढ़ापे में घुटने दुखेंगे, चल तुम पा नहीं सकोगे, चल तुम पा नहीं सकोगे, दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, 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 भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भाव से पीछे वाले भी दोनों हाथों से शंभो बुढ़ापे में आंखें दुखेगी, बुढ़ापे में आंखें दुखेगी, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, बुढ़ापे में आंखें दुखेगी, बुढ़ापे में आंखें दुखेगी, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दर्श कर भरी जवानी में
बुढ़ापा किसने देखा है, 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 भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे, बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे, कथा में कैसे जाओगे, कैसे जाओगे, बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे, बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे, कथा में कैसे जाओगे, कथा में कैसे जाओगे, कथा सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, 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 भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में
बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव अधिदेव महादेव से अपने दिल की बात अपने हृदय की बात भगवान शिव जी से प्रार्थना करिए। भाव से हृदय से दिल से भगवान शिव को नमन कर बैठ कर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात अपने दिल की बात कही। बड़े भाव से हृदय से जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान शंकर जी से अपने मन की बात। आज बैसाख महीने की शिवरात्रि भी है। आप सभी को बैसाख महीने की शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो सभी को। बैसाख महीने की शिवरात्रि है और भगवान देव अधिदेव महादेव की पावन कथा श्रवण करने का अपन सबको सौभाग्य मिला है। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। अपनी जगह पर बैठकर भाव से कहिए श्री शिवा नमस्तु भ्यं। श्री शिवाय नमस्तु भ्यं। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला बोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा ओ सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है। भगवान शंकर का संवाद कराए। माँ नहीं पहुंची। पनिहारन नहीं पहुंची। जब पनिहारन नहीं पहुंची तो शंकर भगवान ने पार्वती जी को भेजा। माता पार्वती जी गई। पनिहारन का रूप रखकर माँ जगत जननी जी गई। हर ए हर भोजन साथ में माता पार्वती पनिहारन का रूप लेकर भोजन साथ में लेकर हर लो भोजन। हर को बिठाकर जैसे ही भोजन कराने लगी तो हर ने माता का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर कहा माँ तू तो रोज भोजन लाती थी और देवाधिदेव महादेव को भोग लगाती थी इसके बाद मुझे खिलाती थी। आज तो तू सीधे मुझे भोजन करा रही है। पार्वती जी के मुख से निकल गया उनको तो मैंने भोजन करा दिया। जो पार्वती जी के मुख से निकला हर ने बच्चा तो बच्चा होता दादा दादी के मुख से माता पिता के मुख से कोई शब्द सुन लेता है तो पकड़ लेता है। बच्चे की आदत रहती है।
कोई शब्द बच्चे ने अगर सुना तो वो पकड़ा। एक बच्चा अपनी दादी के पास जाकर बैठकर बोला, ओ दादी। दादी बोली, क्या है? एक बार टें बोलना, टें। दादी बोली, ये टें क्या होता है? दादी प्लीज तू एक बार पहले टें बोल, ऐसा बोल टें। दादी बोली, मैं नहीं बोलूंगी, पहले बता तू टें क्यों खिलवा रहा है। नहीं दादी, तू टें तो बोल। दादी ने मना कर दिया। दादी ने पांच रुपए निकालकर बच्चे को दिया, ले टॉफी खा लेना। अब बता मुझे कि तू टें क्यों बुलवा रहा है। दादी, रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टें बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। देपालपुर वालों, तुम ध्यान रखना, तुम मत बोल देना रे। बच्चे जो सुन लेते हैं उसको पकड़ लेते हैं, वो छोड़ते नहीं है बच्चे। और बच्चे जब छोड़ते नहीं उस बात को, पकड़ कर रख लेते हैं बच्चे, पकड़ते हैं। मां, आपने कहा कि मैंने उनको भोजन करा दिया, आपने देवादिदेव महादेव को भोजन करा दिया। हां करा दिया। मां, आपने भोजन करा दिया, हां? तो आप तो अभी मंदिर आई हो, फिर आपने भोजन कब करा दिया? इनका पत्र लेकर दे दो बाबू, पत्र ले लो उनका और लाके दे दीजिए। भोजन करा दिया, हां? तो भोजन, मां शिव मंदिर तो ये है, फिर तूने कहां भोजन करा दिया? पार्वती जी के मुख से निकल गया, मैंने तो भोजन करा दिया। अब पार्वती जी का हाथ पकड़ा, मां नहीं, पहले तू बता, तूने देवाधिदेव महादेव को कहां भोजन कराया? तब शिव जी ऊपर से देख रहे थे, मां नीचे भोजन प्रेमवश हाथ को बालक हर पकड़ा हुआ है। मां तूने ये बता कि भोजन कब कराया? तूने भोजन कराया तो कराया, कब कराया? तो भोजन कराया कब तूने? भोजन कब कराया? आखिर तूने भोजन कब कराया मां, ये बता। मां कहती है, मैंने भोजन करा दिया। मां अब तो तू जब तक देव अधिदेव महादेव से नहीं खिलवाती कि उसने भोजन कर लिया, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। हर ने संकल्प ले लिया, दृढ़ संकल्प हर ने ले लिया। और इतना भारी संकल्प जब हर ने लिया, तब पार्वती जी ने शिव जी को याद करा। भगवान देवाधिदेव महादेव सामने शिवलिंग के प्रकट हो गए और शिव पार्वती ने आकर स्वयं हर को भोजन करा। एक संकल्प हम अपने जीवन में लेते हैं, एक संकल्प हम अपने जीवन में उतारते हैं, एक संकल्प हम अपने जीवन में लेते हैं, और वो संकल्प जब हम हमारे जीवन में लेते हैं तब उसको निभाने वाला कोई दूसरा नहीं रहता, उसको निभाने वाला स्वयं देवाधिदेव महादेव होता है, कोई दूसरा नहीं निभा सकता। पशुपति व्रत आपको लगता है कि आप करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है पशुपति व्रत आप नहीं करते, संकल्प आप लेते हैं, कराने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव होता है, कोई दूसरा नहीं करा सकता। एक पत्र है, देखिए। मैं प्रीति बिड़ला सुदामा नगर इंदौर में रहती हूं, कहीं बैठी हो प्रीति बिड़ला, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं प्रीति बिड़ला सुदामा नगर इंदौर, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। मेरी माँ जो बाग जिला धार में रहती है, उनका नाम पुष्पा मलानी है। उनकी तबीयत खराब होने पर बड़वानी के बाद नडियाद ले गए, वहाँ डॉक्टर ने किडनी का इन्फेक्शन बताकर किडनी खराब बता दी। जब उनकी किडनी खराब बताई,
डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि ये किडनी तो बदलना पड़ेगी और ये किडनी काम नहीं कर रही है। बड़े दुखी हुए, उनका डायलिसिस चालू कर दिया। गुरुदेव, हर पांच दिन में एक डायलिसिस माता का होने लगा। और जब डायलिसिस चालू हो गया, डॉक्टर ने कहा जब तक किडनी का बदलाता नहीं तब तक डायलिसिस चलता रहेगा। धीरे धीरे 5 दिन से 3 दिन पर आ गया, डायलिसिस और ज्यादा होने लगे, तबीयत ठीक नहीं होती। तभी मन में विचार कर आपकी कथा सुनते थे तो विश्वास जागा, शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, एक बेलपत्री उठा कर लाना, माँ को खिलाना, थोड़ा सा आचमन पानी का कराना चालू करा। और बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, हम जब दूसरी बार नडियाद में माँ को डायलिसिस कराने के लिए 15 दिन बाद जब लेकर गए, तब डॉक्टर ने कह दिया इनका डायलिसिस अब कम हो जाएगा। 3 महीने में एक डायलिसिस होने लगा और बाबा की कृपा से अब वो डायलिसिस भी 3 महीने से बंद पड़ा है। ये शिव तत्व। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए। शिव तत्व की ओर अग्रण्य हो। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। आपने विश्वास किया, उसने हाथ पकड़ा, संकल्प लिया, पूरा उसने किया। संकल्प आपने लिया, पूरा उसने किया। महाराज, सुनीति ने पूछ लिया द्रु जी से, तू अपनी बुआ के घर गया था तो तूने क्या प्राप्त करा? द्रु जी महाराज कहते हैं, मां पहले मुझे ये बता कि मेरे पिता का नाम क्या है। माता ने जैसे कहा, देव ऋषि नारद की साक्षी में माने कह दिया तुम्हारे पिता उत्तान पाते और सिंहासन पर गया, गोदी में बैठा, धक्के मार दिए गए। अभी कथा में कहा था मिट्टी, मानव और मंत्र, इनको कभी छोटा मत समझना। कहने वाला धक्के मारकर भगा देता है, अपशब्द कहकर भगा देता है, फिर एक दिन वही तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है, वही तुम्हारे सामने होता। 4 लोगों में जब भी बैठो अपनी जीवान पर काबू रखो, भोजन करने बैठो तो अपनी भूख पर काबू रखो, और किसी के यहां मिलने जाओ तो अपनी निगाह पर काबू रखो, नहीं तो बर्बादी का सिरा चालू हो जाता है, नहीं तो बर्बादी का सिरा प्रारंभ हो जाता है। भोजन करने बैठो तो भूख पर काबू होना चाहिए, 10 लोगों में बैठो तो अपनी जीवान पर काबू होना चाहिए। कोई ऐसा शब्द मत कह जाना कि किसी का दिल दुख जाए। 10 लोगों में बैठो तो ऐसा शब्द मत बोल जाना जिससे किसी को नीचा देखना पड़ जाए। और किसी के घर जाओ तो अपनी निगाह पर काबू रखो, कौन बेटा बेटी परिवार के लोग क्या वस्त्र पहने हैं अपनी दृष्टि में काबू रखिएगा, तो आपकी जिंदगी सवर जाएगी, नहीं तो जिंदगी नरक हो जाएगी। बड़ी विचित्र, बड़ी विडंबना है लोगों की, बड़ी विडंबना। आज एक नया सिरा लोग चालू कर देते हैं, मंदिर में आओ तो ये कपड़े पहनकर मत आना, मंदिर में आओ तो वो कपड़े पहनकर मत आना। आप
मंदिर जाने वालों से कह रहे हो कि ये कपड़ा पहनकर मत आना, वो कपड़ा मत पहनकर आना। आज का जमाना ऐसा है कि आप जितना ज्यादा टोकोगे, बच्चे दूसरे धर्म में प्रवेश करते चले जाते हैं। अगर वो आ रहे हैं तो एक दिन धीरे धीरे उनका कपड़ा पहनने का तरीका भी बदल जाएगा। एक बार उन्हें मंदिर तक तो आने दो, एक बार उन्हें मंदिर तक तो आने दो। मंदिर तक वो नहीं आ पा रहे और आपने कह दिया जींस पहनकर मत आना, टी शर्ट पहनकर मत आना, ये परिधान पहनकर मत आना, ये कपड़े पहनकर मत आना। शिव महापुराण की कथा कह रही है, अगर आप मंदिर में जाने वाले बच्चों को बार बार टोकोगे, बार बार टोकोगे, तो वो बच्चे मंदिर जाना बंद कर देंगे, दूसरे धर्म में जाना चालू कर देंगे। उन बच्चों को टोकना कम है, धीरे धीरे अगर वो भगवान की भक्ति में रमते गए रमते गए रमते गए, तो जब दिल बदल जाएगा तो कपड़े भी बदलने में देरी नहीं लगेगा, अपने आप बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। आज कोई कह रहा था कि हमारे उधर एक मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने हमें बहुत टोकते हैं कि तुम ऐसे कपड़े पहन के मंदिर मत आया करो, तुम स्कूल की ड्रेस में मंदिर मत आया करो, तो तुम ऐसे मंदिर मत आया करो। हमारा निवेदन है, बच्चा गटर में गिरता है, कीचड़ में गिरता है, गंदगी में गिरता है, उस बच्चे को पड़ोसी और दुनिया के लोग निकाल कर बाहर कर देंगे और उस बच्चे को कोई गले से नहीं लगाएगा, क्योंकि वो गंदगी में लगा हुआ है, उसमें मल लगा हुआ है, उसमें गंदगी लगी है, उसमें कीचड़ लगा है। बच्चा कितने भी खड्डे में गिर जाए, गंदगी में गिर जाए, बच्चा कितना भी गंदा हो जाए, उसको दुनिया का कोई व्यक्ति अपने कलेजे से नहीं लगाएगा। सगे रिश्तेदार भी उसको, अच्छे कपड़े पहनने वाले भी अपने कपड़े से नहीं चिपकाएंगे। पर माँ और बाप एक ऐसा होता है, अपने कपड़े नहीं देखता, बच्चा कितना भी गंदा हो गया हो उसको गले से लगा ही लेता है, वो माँ बाप होते हैं। माँ बाप बच्चे के गंदे कपड़े नहीं देखते, माँ बाप उसका हृदय देखते हैं, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है, माँ ने बाप ने उसको गले से लगा लिया, तू रो मत, कीचड़ में गिर गए ना कोई बात नहीं, कपड़े गंदे हो गए ना कोई बात नहीं, कोई चिंता मत कर, आ मैं तुझे गले से लगा लेती हूँ। केवल एक माँ ऐसी होती है, बच्चा अगर गंदा भी हो गया है, उसने गंदगी भी कर दी, तो माँ उसको कलेजे से लगा लेती है, बाप उसे कलेजे से लगा लेता है। घर में और भी रहते हैं, वो कलेजे से नहीं लगाएंगे, पर माँ बाप गंदे से गंदे बच्चे को भी कलेजे से लगा लेते हैं। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, कोई कितना भी गंदा हो गया तो भी मेरा महादेव कलेजे से लगा लेता है। काम में डूब गए, आसक्ति में डूब गए, लोभ में डूब गए, वासना में डूब गए, तृष्णा में डूब गए, अहंकार में डूब गए, आप कितने भी गंदे हो गए हो तो भी मेरा महादेव मंदिर में निवास करने वाला मेरा शिव आपको गले लगाना जानता है। मेरा शंकर कभी आपके कपड़े नहीं देखता, मेरा शंकर आपका कलेजा देखता है कि तुम कैसे भाव से मुझे भज रहे हो। कपड़े दुनिया के लोग देखेंगे, कपड़े दुनिया के लोग पसंद करेंगे, कपड़े पर दृष्टि दुनिया के लोगों की रहेगी, पर मेरे महादेव को कपड़े से मतलब नहीं है, मेरे महादेव को कलेजे से मतलब है। तुम्हारा दिल कैसा है, हृदय कैसा है, चित्त कैसा है, वृत्ति कैसी है, मेरे महादेव को तुम्हारे मन से मतलब है। कौन सा कपड़ा पहनूं कि मैं सुंदर लगूं, कभी कभी विचार कर लिया करो कि मैं कौन सा भजन गाऊं कि परमात्मा को अच्छी लगूं, कभी कभी ये भी मन में सोचा करो। कौन सी साड़ी पहनूं, कभी कभी आपके मन में आता है, पति से पूछ लेती है, मैं कौन सी साड़ी पहनूं तुम्हारी पसंद की बता दो। कौन सा कपड़ा पहनूं कि अच्छी लगूं, कौन सा कपड़ा पहनूं कि उनको अच्छी लगूं, तो कौन सा भजन करूं कि उसको अच्छी लगूं, बस उसके भजन पर जाना है, उसको भी तो ठीक लगना चाहिए। ये कपड़े पहनो तो मंदिर में मत आओ, ये कपड़े पहनो तो मंदिर में मत जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारा मन करे वैसे शिव के मंदिर जाओ,
मंदिर तक जाने की अगर आदत डल जाएगी, मंदिर तक जाना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे अगर मन बदल गया तो कपड़े भी बदलते चले जाएंगे। रोकना नहीं है इनको, टोकना नहीं है इनको, टोकना नहीं है। जिस घर में बहू को ज्यादा टोका जाता है उस घर में बहू धीरे धीरे मुंह चलाना प्रारंभ कर देती है, मुख से बोलना चालू कर देती है, ज्यादा मत टोको कम। एक सास थी, बहू को जब देखो जब टोकती रहती, एक एक रोटी सही से सेकना, एक एक गेहूं का दाना सही से बिनना, एक एक ज्वार उठा के रखना, एक एक बर्तन सही से धोना, एक एक कपड़ा सही से धोना। एक दिन बहू बाथरूम में नहाने गई, 4 घंटे नहीं निकली। सास ने पूछा क्या कर रही है, बहू कह रही है बाल धो रही हूं शैम्पू से। तो 4 घंटे हो गए एक एक बाल में शैम्पू कर रही हूं, तू इन्हें सिखाया था एक एक कपड़ा सही से धोना, एक एक कचौड़ी सही से सेकना। तो उसने भी कह दिया एक एक बाल सही से धोना, पकड़ पकड़ के सुबेरे की बाथरूम में गई, शाम के 7 बजे निकली, बना रोटी। अब क्यों टोको बार 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 बार, ये नहीं करा वो नहीं करा, ये नहीं करा वो नहीं करा, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। कोई बात नहीं, देवाधिदेव महादेव को धन्यवाद देना, इसने अगर कोई काम छोड़ दिया है तो महादेव चाहते हैं कि मैं खुद करूं, इसलिए इसने छोड़ा है। वो शिव की कृपा हुई है कि मेरे हाथ पैर चलते रहे, इसलिए मैं करती हूं। ज्यादा नहीं टोकना, टोको मना नहीं पर ज्यादा नहीं टोकना, जरा जरा सी बात में टोकना, जरा जरा सी बात में। कितना कितना सिखाओ। एक माँ अपने बच्चे को सिखा के लेकर गई, देख रिश्तेदार के यहां जा रहे हैं, कोई भी खाने का सामान आए बिल्कुल ध्यान रखना, थोड़ा सा लेना और बाकी का रख देना, ऐसा इज्जत खराब मत करना, एकदम खा जाए। अब तुम बच्चे को कितना ही सिखा लो वो चले जरूर जाता है, और फिर बाद में मम्मी को भी देखता रहता है। और जैसी आंटी अंदर गई, जिनके यहां गया था वो अंदर गई, इतने मम्मी ने उधर से आंख दिखाई, अब मम्मी इतना में तो बस उसने रसगुल्ला उठाया और चुप। भजन करने वाले को रोकोगे कब तक रोकोगे, स्मरण करने वालों को रोकोगे कब तक रोकोगे, कीर्तन करने वालों को रोकोगे कब तक रोकोगे, कथा सुनने वालों को रोकोगे कब तक रोकोगे, मंदिर जाने वाले को रोकोगे तो कब तक रोकोगे। इनको जाने दो, इनके हृदय में शिव को समाने दो, फिर भक्ति का आनंद अपने आप फैलता जाए। ना रोकिएगा, बोल बम का नारा है बाबा एक साथ। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। क्या सीखा तुमने, ध्रुव जी महाराज को धक्के मार कर निकाल दिया और ध्रुव जी महाराज सुनीति के पास जाकर रोते हुए कहते हैं मैंने जो सीखा है वो विश्वास सीखा है। देव ऋषि नारद से पूछा सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता कौन सा है, जो सबसे जल्दी राजी हो जाए वो देवता बता दो। तो कहा सबसे जल्दी राजी होता है तो देवाधिदेव महादेव होता है, एक लोटा जल चढ़ाओ और राजी हो जाता है। पर ध्रुव जी ने कहा मेरा दिल तो भगवान नारायण में लगा है, फिर मैं महादेव को कैसे रिझाऊं। तो नारद जी ने कहा नारायण में, ब्रह्मा में और शिव में कोई अंतर नहीं है, इसलिए शिव जी की आरती में गाते हैं ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत। जिसमें विवेक नहीं है वो इनमें भेद कर सकता है, पर जिसमें विवेक है वो ये जानता है कि ब्रह्मा भी शिव है और विष्णु भी शिव है, सब में शिव समाया है, श्वास में शिव है। जब तक श्वास है तब तक शरीर है, जब श्वास निकल जाती है तो केवल शव रह जाता है। जिसने जान लिया कि शंकर के बिना कुछ नहीं है वो पहचान गया कि शिव शिव है।
वो पहचान गया कि देवाधिदेव महादेव देवाधिदेव। जरा सा दुख आया, आंखों से आंसू झड़ने लगे, रो रो कर मरने से अच्छा है हंस हंस कर दुनिया को और जला दो, और जला दो। रो रो कर मरने से अच्छा है प्रसन्न रहो। दुख आया है कटेगा, तकलीफ आई है मिटेगा, रोग आया है जाएगा, कष्ट आया है मिटेगा, समय सब आएगा जब जाएगा, समय की अवस्था में सब आएगा जाएगा, आया है जाएगा। समय की अवस्था में सब आता जाता है, समय की अवस्था। आपका विश्वास जब दृढ़ी होगा, आपका भरोसा जब दृढ़ी होगा, अपने आप कार्य सफल, अपने आप। ध्रुव जी महाराज ने देवऋषि नारद से पूछकर भगवान की अविरल भक्ति में लग गए, भगवान के भजन में लग गए। ऐसा भजन ध्रुव जी महाराज ने करा, ऐसा भजन ध्रुव जी महाराज ने करा, ऐसी भक्ति ध्रुव जी महाराज ने करी, ऐसी भक्ति करी, देवलोक बैकुंठ लोक सब हिरने लगा। उस भगवान विष्णु को प्रकट होने लग पड़ा और कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? बस कुछ नहीं, मेरी बुआ ने कहा था भगवान मिले तो उससे कुछ मत मांगना, केवल उसके सिवाय। तो मेरी बुआ ने मुझसे कहा था, क्या मांगूं मैं तुमसे? कुछ नहीं मांगना, मुझे केवल तुम्हारी गोदी में बैठना है। काय में बैठना है? गोदी में बैठना है। अब जिसकी संतान नहीं, जिसकी औलाद नहीं, जिसकी कोई संतान नहीं, और वो किसी की औलाद को किसी की संतान को गोदी में लेकर बैठ जाए या गोदी ले ले, तो सारी जायदाद का हिस्सेदार होता है कि नहीं होता? बोलो री जी, बोलो जम के बोलो जरा, होएगा ना? सारी जायदाद का हिस्सेदार बन जाएगा। अब भगवान शिव जी के यहाँ संतान, भगवान ब्रह्मा जी के यहाँ संतान, भगवान विष्णु के यहाँ जब संतान का सुख नहीं, तो फिर अब ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि मेरी बुआ ने कहा था, देवऋषि नारद ने भी मुझसे कहा था, भगवान मिलेंगे तो क्या मांगेगा? मेरी बुआ ने कहा था, जब भगवान मिले तो वैभव मत मांगना, धन मत मांगना, दौलत मत मांगना, सत्ता मत मांगना, क्योंकि ये दौलत, ये सत्ता, ये वैभव, ये जायदाद, ये संपदा तो एक दिन सब छूट जाएगी। अगर मांगना तो भगवान को खुद को मांग लेना, मुझे भगवान आपकी गोद में बैठना है। भगवान विष्णु सोच में पड़ गए, इसको गोद में बिठाऊंगा, ये मेरी गोदी में आ गया, गोदी में अगर आ गया तो इसको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब गोदी आ गया तो पूरी जायदाद का हिस्सेदार बन गया, फिर मांग कर करेगा क्या? ये कोई कोई बहुत चतुर होते हैं, बहुत चतुर। छोरा छोरी वालों के यहां जब संबंध होता है ना, बहुत चतुर लोग मिलते हैं, बहुत। एक छोरा वाला छोरी वाले के यहां गया, देखो साहब, सगा जी, बियाई जी साहब, संदी जी, हमें कहीं नहीं चाहिए, एक रत्ती भर सामान नहीं चाहिए, हमारे यहां सब है। देखो हमारे यहां फ्रिज भी है, टीवी भी है, सब है, पर तुम अगर टीवी दोगे तो अपनी छोरी को दोगे, हमारे यहां सब है। हमारे यहां तो दो दो तीन तीन गाड़ी भी हैं, पर सब गाड़ियां चली जाती हैं, और तुम्हारी छोरी का अगर कभी मन हुआ पति के साथ घूमने का तो हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। हमारे यहां तो पूरा फर्नीचर बना हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ, सब कमरे में एसी लगा है। एसी लगवाओगे तो आप अपनी छोरी के कमरे में लगा, हमें बोलो जम के बोलो कुछ चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ। अब गाड़ी भी तुम छोरी को दोगे, सब सामान छोरी को दोगे, तो छोरी का बाप बोला फिर हमें छोरी भी नहीं देना, हाथ जोड़े
सब छोरी को देना है तो छोरी को हम यही नहीं दे देंगे, तुम तो जाओ बिहाई जी, श्रीफल लो अपने घर जाओ। ना शिव महापुराण की कथा कर रही है, मांगना बाबा से तो मांगना तो इतना मांगना कि देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ दे दीजिए और कुछ भी नहीं, बस तेरा और मेरा साथ बना रहे इतनी कृपा कर देना। जितना जन्म मिले, जितनी बार पृथ्वी पर जन्म मिले मुझे, उतनी बार तेरे चरणों की सेवा मिले, जितनी बार पृथ्वी पर जन्म मिले तेरी शिव महापुराण की कथा मिले, जितनी बार जन्म मिले तेरी भक्ति मिले और उसके सिवाय कुछ नहीं मिले। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे ते, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे ते, देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। जब से होश संभाला तब से हमने पाला, तेरी सेवा ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाया, तेरी सेवा ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाया, सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भगवान तुम्हारे भजन से, तुम्हारे कीर्तन से, तुम्हारे स्मरण से, तुम्हारे चिदानंद वृत्ति से बस जितनी बार जन्म मिले उतनी बार तेरा भजन करूं, जितनी बार जन्म मिले तेरा सत्संग मिले, जितनी बार जन्म मिले तेरा कीर्तन मिले, जितनी बार जन्म मिले तेरा स्मरण मिले, इसके सिवाय कुछ ना मिले, कुछ नहीं मिले। महाराज एक पत्र आया, देखो एक पत्र है, गुरुजी मैं सपना राजेश तवर, मैं धामनोद जिला धार से आई हूं, 13 वर्ष के बाद, पहले 13 वर्ष पहले एक संतान थी पर उसके बाद कोई संतान नहीं थी, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी अब तुमको, 13 वर्ष के बाद बाबा की कृपा से मैंने पशुपति व्रत किया और शिव जी से मांगा तो बाबा की कृपा से मेरे घर में एक संतान की प्राप्ति 13 वर्ष के बाद हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं, बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए, थोड़ा सा ऊंचा कर दो, हर हर महादेव। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, मैं हीना भाटिया इंदौर से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, हीना भाटिया इंदौर, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दीजिएगा एक बार। मैं हीना भाटिया इंदौर से, मेरे भोले बाबा की कृपा का क्या बखान करूं, उनने हमें वो दिया जिसके लिए हम हर द्वार गए और हर जगह की दवाई भी खाई, पर वो हमें मिला कुबेर भंडारी की कृपा से प्राप्त हुआ। हम हमारे माता पिता के 5 भाई बहन हैं, सभी के विवाह हो चुके थे और हमारे यहाँ सभी भाई बहनों के मिला के 6 बेटियाँ ही बेटियाँ थीं,
और पुत्र की प्राप्ति किसी के यहाँ नहीं थी। गुरुदेव, कभी कभी मन में ऐसा लगता था, कुछ लोग ताना दे देते थे, अपशब्द कह देते थे कि पांच भाई बहन हैं और सभी के यहाँ पर बेटियाँ ही बेटियाँ हैं, कोई पुत्र नहीं, ताना देने वाला ताना दे ही देता था। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि बाबा की कृपा से हम कुबेर भंडारी के चरणों में विनय कर कर आए, पाथरी पूजन कंकर रख कर पूजन कर कर आए, और उनके आने के बाद जब गर्भ ठहरा तो हमारे यहाँ पर दो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है बाबा को हम नमन करने के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चे आए साथ में, ऊंचा कर दीजिए उनको, हर हर महादेव। बैठिए विराजमान। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व की प्राप्ति हो मां। खाली न जाता कोई डर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरी जा रही हूं उठा लो उठा लो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण कथा कर रही है। विश्वास के साथ करिए भजन। ध्रुव जी ने मांगा भगवान से, आपकी गोदी में बैठना चाहता हूं, केवल गोदी दे दीजिए। बिठा लिया, ध्रुव पद प्रदान कर दिया। जब ध्रुव पद प्रदान हो गया तब भगवान विष्णु ने कहा, सुनो ध्रुव, यज्ञ अनुष्ठान पूजन अर्चना सब की साक्षी ध्रुव तारा देगा, सबकी साक्षी ध्रुव तारा देगा। अभी तक जितनी कथाएं आपने सुनी हैं शिव पुराण की, उसमें ये चरित्र थोड़ा ध्यान से सुनना। माता प्रसूति ने अपने भतीजे ध्रुव जी से कहा था, अपने लिए बाद में मंगना, पहले संसार के सुख के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, पहले संसार के सुख के लिए मंगना। ध्रुव जी को अपनी बुआ का शब्द ज्ञात रहा, अपनी बुआ का शब्द ज्ञात रहा ध्रुव जी महाराज को। विष्णु पुराण में लिखा है, कुर्म पुराण में वर्णन मिलता है और नरसिंह पुराण के अंदर वर्णन मिलता है, और कभी मौका मिल जाए तो ब्रह्म वेवर्त पुराण को भी पढ़कर देखना, उसमें वर्णन मिलता है। ध्रुव जी महाराज को माता प्रसूति का स्मरण आया, अपनी बुआ का स्मरण आया, और बुआ का स्मरण आते से ही, माता प्रसूति का स्मरण आते से ही ध्रुव जी महाराज से भगवान विष्णु ने कहा, सुनो ध्रुव जी, तुम ध्रुव तारे के रूप में विराजमान रहोगे, साक्षी दोगे दान पुण्य धर्म संकीर्तन सत्संग की। ध्रुव जी महाराज आनंद पा गए। तब ध्रुव जी ने माता प्रसूति से जो शंकर भगवान का गुणगान सुना था, उसके आनंद में ध्रुव जी ने कहा, आपने कहा कि मैं साक्षी दूंगा सारे दान पुण्य धर्म की संकीर्तन सत्संग की, आपसे केवल इतना और मांगना चाहता हूं, मैं आकाश में विराजमान रहूंगा, मंडलों में विराजमान रहूंगा, जो शिव को जड़ देगा और जो सूर्य को अर्घ देगा, अगर वो एक बूंद भी जल भगवान शंकर को समर्पित करेगा, और यदि वो एक बूंद भी जल सूर्य को अर्घ देगा या सूर्य को समर्पित करेगा, तो मुझे वर दीजिए कि मैं उसकी साक्षी देकर उसके घर का भंडार भरवाता रहूंगा। ये साक्षीता चाहिए। जिस समय पर हमारा लेखा देखा जाता है, जिस समय पर हमारी पुस्तक उठाकर देखी जाती है, इसने पाप कितने करे, पुण्य कितने करे, इसने धर्म कितना करा, दान कितना करा, इसने संकीर्तन कितना करा, इसने भजन कितना करा, इसने भगवान को क्या जल समर्पित करा ना करा, इसने क्या करा है, भाई परिवार वाले, कुटुंब वाले, समाज वाले,
रिश्तेदार तुम कैसे भी हो, तुम कितने भी दिल के साफ हो, तुम कितने भी मन के पवित्र हो, पर रिश्तेदार, पैसे वाले, समाज वाले, कुटुंब वाले तुम्हारे पीछे कभी नहीं चलेंगे। ये जब भी चलेंगे तो पैसे वाले के पीछे ही चलेंगे। परिवार वाले, कुटुंब वाले, समाज वाले, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब वाले जब भी चलते हैं पैसे वाले के पीछे चलते हैं। संसार के लोग चलते हैं तो धन वालों के पीछे चलते हैं, और मेरा भोलेनाथ चलता है तो जल वालों के पीछे चलता है। संसार के लोग पैसे वालों के पीछे चलेंगे। एक साधारण व्यक्ति कुछ कह देगा, उसकी बात की कोई कीमत नहीं है। वो सही कह रहा है, अच्छा कह रहा है, पर उसकी कोई कीमत नहीं है। परिवार में, समाज में, रिश्तों में, नातों में, और एक पैसे वाला व्यक्ति तुरंत बस आके बैठा और उसने जो बोल दिया, भले वो गलत बोला चाहे सही बोला, वो सही है, सबके लिए सही है, क्योंकि वो पैसे वाला है। समाज, संसार, कुटुंब, परिवार, नाते, रिश्ते पैसे वालों के पीछे चलते हैं, और मेरा भोलेनाथ जिसके हाथ में पानी का, जल का लोटा होता है, कलश होता है, जल चढ़ाने वाले के पीछे मेरा महादेव चलता रहता है, वो शिव है। और दुनिया भले पैसे वालों के पीछे चले, मना नहीं है, तुम जल चढ़ाते रहना, तुम्हारे पीछे तुम्हें संभालने के लिए कोई भी नहीं होगा तो मेरा महादेव खड़ा होगा, कि निश्चित कोई तुम्हें संभालने खड़ा हो चाहे ना हो। एक बच्चे ने पत्र लिखा है, रंजित लोधी कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। मेरा नाम रंजित लोधी है, हम कालानी नगर इंदौर में रहते हैं। हमने आपकी कथा, उज्जैन वाली कथा टीवी पर सुनी। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा, हमारा कोई काम काज नहीं था। आप कहते हो मेहनत करने में पीछे मत हटना, संकल्प लेकर अगर कुछ भी आगे बढ़ोगे तो वो पूर्ण जरूर होगा। कोई काम नहीं था, किराए के मकान में रहते हैं गुरुजी, कोई विशेष कार्य नहीं है हमारे पास। विचार करा, करें तो करें क्या, गुरुदेव आपकी कथा सुन सुनकर इतना विश्वास जाग गया ना शंकर जी के ऊपर, इतना विश्वास जाग गया कि ऐसा लगता है वो हाथ पकड़ लेगा, संभाल लेगा। किराए के मकान में रहते हैं गुरुदेव, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे थे, पर आप कहते हो कि काम कोई छोटा नहीं होता, बस कर्म करना और भोलेनाथ का संग एक लोटा जल चढ़ाते हुए पकड़ कर चलना। गुरुजी कुछ भी काम नहीं था तो बाजार से थोड़ा सा फूल लेकर फूल घर घर देना चालू कर दिया, और बाबा की कृपा से आज ये स्थिति है कि 500 घर हम फूल देने जाते हैं और 500 घर फूल पत्ती देकर आते हैं, तो वो हमको कुछ देते हैं, तो हमारा घर और हमारा परिवार अब चलने लगा। आज यहां संकल्प लेने आए हैं कि बाबा ऐसी कृपा कर दे कि आप कहते हो हम ही फूल देने जाते हैं, हम पत्ती देने जाते हैं, तो बाबा से एक संकल्प लेने आए हैं कि ऐसी कृपा कर दे कि हम भी निर्माल्य की, निर्माल्य विसर्जन की एक गाड़ी हम भी चलाएं, और बाबा की कृपा से वो गाड़ी जल्दी से जल्दी बने। ये संकल्प आप लेकर जा रहे हैं लोधी जी। पहले तो आपको मैं कह दूं, रंजीत जी लोधी जी, शिव कृपा जितनी भी ये लोधी समाज होती है, इस पर देवाधिदेव महादेव की बड़ी कृपा होती है, क्योंकि ये हमेशा शंकर भगवान को पुष्प अर्पण करने की विधि अपने जीवन में अर्पित करते रहते हैं। ये जीवन का एक सुख है आपका, और बाबा देवाधिदेव महादेव पूर्ण करेगा, और आप अभी निर्माल्य की गाड़ी, हम कह रहे हैं कि आप लिखे हैं इसमें कि एक गाड़ी हम क्या
प्रारंभ कर सकते हैं किसी से उधार लेकर। हम आपसे कहेंगे उधार लेकर कभी देव अधिदेव महादेव का कोई कार्य मत करना। यहाँ से जाओगे शिव जी ऐसी कृपा करेगा, विश्वास लेकर जाना, 3 महीने इंतजार करना, काम दिल से करना, गाड़ी खुद की आएगी और फिर चलना। उधार लेकर कोई कार्य नहीं करेंगे। कर्जा लेकर कभी कथा मत कराओ, किसी से लेकर कभी कथा का क्रम ना करिए। और हम आपसे भी कहते हैं बिठलेश सेवा समिति सीहोर द्वारा किसी के दरवाजे पर कोई रसीद कट्टा लेकर नहीं जाते, कोई रसीद काटने नहीं जाते, कोई दान लेने नहीं जाते। आप जो देते हैं, कथा होती है वहाँ काउंटर लगा रहता है, वहाँ दे दिया, या फिर ऑनलाइन टीवी पर जो देते हैं वह आशीष जी गुनगुना देते हैं। किसी के नहीं जाते, कभी जिंदगी में भी नहीं जाएंगे। तुम्हारे दरवाजे पर मांगने से अच्छा है महादेव के चरणों में जाकर मांगेंगे। क्यों आए तुम्हारे? निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी बने बनाई कई लोगों ने, देखो नाम आए हैं। नदियों को स्वच्छ करने के लिए भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियां हैं, कुएं हैं, बावड़ी है, तालाब है, सरोवर है, उसका पानी साफ रहे, आने वाले समय में हमारी नदियां साफ सुथरी और पवित्र रहे, उसके लिए जो संकल्प उज्जैन से लिया गया है उसमें सबसे पहली गाड़ी निर्माल्य विसर्जन का रथ बैजनाथ महिला मंडल बदनावर 16 तारीख को इन्होंने पहली गाड़ी का मुहूर्त कर दिया है। जोरदार ताली बजाएं, जो रविवार की रविवार चलेगी। दूसरी श्री शिखर मधुजी श्रीवास्तव जालौन जिला जालौन उत्तर प्रदेश 17 तारीख कल इन्होंने एक गाड़ी का मुहूर्त उत्तर प्रदेश में कर दिया जो कि निर्माल्य विसर्जन के लिए चलेगी। तीसरा समाज सेवी श्री दिलीप कुमार जी जयसवाल जयसवाल परिवार सुवासरा मध्य प्रदेश 18 तारीख आज सुबह 10 बजे इन्होंने एक गाड़ी का मुहूर्त कर दिया जो कि निर्माल्य विसर्जन के लिए जा रही है। जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं इन गाड़ियों में सुबह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चलता रहेगा। आपने घर में जो पूजन का सामान हो, जो निर्माल्य हो, फूल पत्ती धूप अगरबत्ती जो तुम्हारे यहाँ पड़ा हो व्यर्थ, वो इनकी गाड़ी में डालना। ये एकांत में ले जाकर उसको विसर्जन में करेंगे, नदी में नहीं डालेंगे। पवित्र नदियों को गंदा नहीं होने देंगे, शुद्ध बनाएंगे। जल बचेगा तो कल बचेगा, नहीं तो हमारा कल भी समाप्त होता चले जाएगा। इन नदियों को, इन पवित्र नदियों को बचा रहे। और एक संकल्प आज देपालपुर से भी आया है, शायद कल उनकी गाड़ी का भी यहाँ देपालपुर में मुहूर्त हो जाए। और एक गाड़ी देपालपुर में भी यहाँ की महिला मंडल चालू कर रही है, उसका वर्णन भी कल कथा में यहाँ वर्णित किया जाएगा। गाड़ियों के दर्शन आप लोग आस्था चैनल पर कर रहे हैं, ये गाड़ियाँ और जिन जिन ने दान करा है उनका सारा वर्णन आस्था चैनल के माध्यम से आप कर रहे हैं। 3 जगह का जो वर्णन आया, प्रतिदिन कथाओं में इनका दर्शन कराया जाएगा। रोज कम से कम 5-6 बार आस्था चैनल वालों से निवेदन है ये दर्शन कराएं। और जो जो समितियां, जो जो व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में गाड़ियां चला रहे हैं, पहले हमारा मन था कि कथाओं में इनका सम्मान हो, अब प्रयास करेंगे 5 महीने या 6 महीने के अंदर इन लोगों को सीहोर कुबेरेश्वर धाम बुलाकर वहीं पर इनका सम्मान आस्था चैनल के माध्यम से लाइव कथा में किया जाएगा। शिव तत्व करो, सनातन हिंदू धर्म के देवी देवताओं को पेड़ों के नीचे मत पटको। सनातन हिंदू धर्म के एक एक देवता, अखबार में शंकर जी का फोटो आ गया काट कर रख लीजिए, पत्रिका में फोटो आ गया काट कर रख लीजिए, किसी सनातन धर्म के देवी देवता का कोई कैलेंडर, कोई अखबार, कोई अगरबत्ती, कोई पूड़ा रोड पर पड़ा मिलता है, मेरा दुकानदारों से भी निवेदन है वो अपने पास में रखें। निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी निकलेगी, आप वो अखबार की कटिंग में शंकर जी के फोटो को लात में मत आने दो, महाकाल के फोटो को लात में मत आने दो, अगरबत्ती के पुड़े पर कृष्ण और भगवान के नाम को लातों में मत आने दो उसको। आप दुकानदारों से भी निवेदन है आपके पास अखबार आए उसमें फोटो आ जाए काट के रख लीजिए, लक्ष्मी नारायण का फोटो आ जाए काट के रख लो उसको। आप जब निर्माल्य की गाड़ी आपके सामने से निकले, आपके क्षेत्र की गाड़ी निकले, उसमें आप उसको डाल दीजिए। उस समितियां, महिला मंडल जो भी उस निर्माल्य को ले जाएगी उसको वो विसर्जन कर देगी।
एक जगह पर ले जाकर एक कुंड के अंदर उसको डाल देगी और समाप्त कर देगी। परंतु आप देवी देवताओं की ये कोई मूर्ति खंडित हो गई, पेड़ के नीचे रखा है, बहुत दिन तक पड़ी रही, कुत्ते चाट रहे हैं, उस पर गंदगी कर रहे हैं, ये हमारे सनातन धर्म के देवी देवता का अपमान हो रहा है। इनको अपमान से बचाने के लिए, नदी को स्वच्छ रखने के लिए ये निर्माल्य विसर्जन का रथ आपके द्वार द्वार आएगा। और मुझे विश्वास है सब तैयारी कर रहे हैं, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक शहर में ये एक अलग पहल चालू हुई है जो चलेगी। श्री शिवाय, प्रत्येक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चलेगा, जिससे जनमानस का कल्याण हो। और आप उसमें ले जाकर ये सामग्री डालेंगे, वो एकांत में विसर्जन उसको करें, ये श्रेष्ठता हो। बहुत बहुत साधुवाद है, एक बार जोरदार ताली बजाइए जालौन उत्तर प्रदेश वालों के लिए, बदनावर वालों के लिए और सुवासरा वालों के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, जोरदार ताली बजाइए, इन्होंने बहुत अच्छी पहल, बहुत सुंदर पहल। अभी हमारे सीहोर की भी एक गाड़ी तैयार हो रही है, वो सीहोर में, सीहोर के आसपास में भ्रमण करेगी। हम ये नहीं कहते कि तुम रोज घुमाओ, हफ्ते में एक बार गाड़ी घुमाओ, मना नहीं। और उन निर्माल्य सामग्री को इकट्ठा कर विसर्जन करें, एक और ले जाकर डालिए शिव तत्व की प्राप्ति। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी न दर्शन। ध्रुव जी महाराज का विश्वास दृढ़ हुआ, भगवान नारायण से ध्रुव जी महाराज ने मांगा, आप मुझे ध्रुव तारा बना रहे हो, यज्ञ का, अनुष्ठान का, दान का, पुण्य का, धर्म का मैं साक्षी रहूंगा, तो मुझे वर दीजिए, ऐसा वर दीजिए अगर कोई बच्चे से बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा भी शंकर जी के मंदिर में जाकर या घर में शंकर के शिवलिंग पर अगर भूल से भी एक बूंद भी चढ़ा देता है तो उसका फल ये ध्रुव जी कहते हैं हे नारायण आप उसे प्रदान करेंगे, भंडार भरेंगे। भगवान विष्णु कहते हैं भूल वश भी जो शिव का गुणगान करता है उसे मिलता ही मिलता है। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, इतने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बोलना, दिल से बोलना, कथा के पंडाल में जो लोग टीवी पर सुन रहे हैं, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं और जितने पंडाल में सुन रहे हैं, आप जब से कथा सुनना चालू करे हैं शिव पुराण की और जब से शंकर जी का भजन या शिव जी के मंदिर एक लोटा जल चढ़ाना चालू करे, तब से तुम्हारी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा सुख आना चालू हुआ कि नहीं हुआ, सत्य बोलना। थोड़ा थोड़ा जिंदगी में, हाँ हम कहते हैं किसी किसी के जीवन में फाइल मोटी है, कष्ट ज्यादा है, पूर्व का कर्म ज्यादा भोगना पड़ रहा है, धीरे कटेगा, लगेगा समय, आएगा समय, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा। कल एक पत्र था, एक पत्र कल की कथा, पत्र बहुत सारे हैं, तो कल की कथा में एक पत्र था, 52 वर्ष की महिला, जिसके घर में चार लड़कियां हुई, एक बेटा हुआ था, मर गया था, चले गया था, 52 वर्ष की आयु, चारों बेटियों की शादी हो गई, पर जो लड़का मरा था उससे दिल नहीं हट पाया उस मां का। मां तो मां होती है, उसका दिल नहीं हट पाया उस बच्चे को, बार बार याद करती, बच्चे को बार बार याद करती, सत्संग में भी मन नहीं लगता, घर में मन नहीं लगता, भले चार लड़कियां थी, चारों की शादी कर दी, सब कुछ हो गया, पर बेटा चले गया, मन नहीं लगता। उसकी कोई रिश्तेदार ने कह दिया कि बेटियों की शादी हो गई, अब क्या बच्चे में मन लगाना, अब जो हुआ हो दो, क्या करना, नहीं मेरा बेटा चले गया। सीहोर वाला महाराज कहता है बाबा किसी को खाली नहीं छोड़ता, तो मुझे क्यों छोड़ दिया,
52 वर्ष की महिला, मैं कहूंगा बाद में आप इसमें इन लेटरों में उसका निकाल लेना और नाम मेरे को बताना, वर्णन कर। शिव कृपा हुई और 52 वर्ष के बाद बाबा से जो मांगा बाबा ने उसको प्रदान कर दिया। शिव तत्व है। इन पत्रों में है, मैं कल प्रयास करना जो देख ले सुतनी का शिव तत्व की। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु। यहां 30 वर्ष 32 वर्ष 33 वर्ष नारी का हो जाता है तो उसको लगता है संतान नहीं हो रही, भगवान हमारा नहीं सुन रहा। वो 52 साल बाद भी सुन सकता है, वो कालाधिपति है, साधारण नहीं है। लिखने वाले देव हैं, जिनने भाग्य लिखा है, पर भाग्य को बदलने वाला देव अधिदेव महा देव है, जो बदल देता है, भाग्य को भी बदल देता है। वो उसकी कृपा होना चाहिए, उसकी करुणा होना चाहिए। चारों बेटियों की शादी भी हो गई, चली भी गई, पर पुत्र तो वो शंकर का भजन करना चालू कर दी। मंदिर जाना, मंदिर में रहना, शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, उसमें लिखा पत्र में झाड़ू पोछा शिव मंदिर में, और कुछ भी नहीं, बस लगाए झाड़ू लगाए पोछा। उसने लिखा मुझे लोग काम वाली समझने लगे, झाड़ू लगा लगा कर, पोछा लगा लगा कर, लोग मेरे पे हंसते थे, झाड़ू वाली झाड़ू सही से लगा, मंदिर सही से साफ करो, जो आता था मेरे को काम वाला समझता था। पर मेरे बाबा ने मेरी सुन ली और झोली में फिर दे दिया। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। हसे मट्टी मानव और मंत्र हल्का मत समझना। कोई झाड़ू लगा रहा है मंदिर में, कोई सेवा कर रहा है मंदिर में, उसको हल्का मत समझना। कब मेरा भोलेनाथ कौन सी मणि निकाल कर उसको दे देगा, तुम समझ नहीं पाओगे। और एक दिन वो भी कथा का यजमान बनकर ऐसे ही बैठा मिल जाएगा। समझ नहीं पाओ, समझ नहीं सकते, बहुत कठिन है। मेरे शंकर को जानना बहुत कठिन है। लोग हमसे कहते हैं कि ये शिव है क्या, शंकर है क्या, हम उनसे कहते हैं पूरी जिंदगी निकल जाएगी ना तुम्हारी, पूरी जिंदगी, तो समझ नहीं पाओगे कि भोलेनाथ है क्या। बस उसको देखते रहोगे, देखते रहोगे। सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां, बचाया खूब था लेकिन हमारी लड़ गई अखियां, बचाया खूब था लेकिन हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियां। खूब बचाया इन नैनों को, खूब। क्या करते हैं देवाधिदेव महादेव, क्या करते हैं देवाधिदेव महादेव, ये व्यासपीठ कहती है महादेव एक ही काम करते हैं, जो जल चढ़ाता है शंकर भगवान को उसका हाथ जिंदगी भर नहीं छोड़ते, वो महादेव होते। क्या करता है मेरा शिव, सखीरी डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियां, संभाला खूब था लेकिन हमारी लड़ गई अखियां। खूब बचाया अपने आप को, खूब बचाया। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं आपको मना करेंगे, कथा में मत जा, सत्संग में मत जा, शिव पुराण क्यों सुनती रहती है, टीवी पर क्यों बैठी रहती है, क्यों मोबाइल पर सुनती रहती है, जब देखो जब सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, कौन समझाए। हरी
डमरू वाले से हमारी लड़ गई अकिया। कौन समझाए? एक बार शंकर की कथा सुन ली, ऐसी लगन लग गई, ऐसी अखियां मिल गई। अब तो कई माताएं इस पंडाल में भी ऐसी बैठी होगी, कई माताएं कई पुरुष इस पंडाल में भी ऐसे बैठे होंगे जो मंदिर नहीं जा पाते तो उनका मन दुखता है कि मैं मंदिर क्यों नहीं जा पाई। कई बैठी हैं इस कथा में जिनका मन नहीं लगता, मंदिर जाए बिगर, भजन में जाए बिगर, कथा सुने बिगर चित्त नहीं लगता, ऐसे कई है, लग नहीं पाता मन, प्रयास करा जाता है क्यों नहीं लगा, चित्त नहीं लग, मन नहीं लग। शिव कथा कह रही है लगाओ मन को। ध्रुव जी ने संसार हित के लिए मांगा, प्रसूति ने जो कहा था वो ध्रुव जी ने मांगा। बड़ा सुंदर संवाद कल की कथा में, माता प्रसूति अपनी बहन को ज्ञानवान पुत्र कैसा होता है और पुत्र की प्राप्ति कैसे होती है, संतान की प्राप्ति कैसे होती है, घर में ज्ञानवान बेटी की प्राप्ति कैसे होती है, उसका वृतांत कल माता प्रसूति श्रवण कराएगी। कथा में भगवान कुंद केश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन कथा, कल कथा का छठा दिवस रहेगा, कल कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। परसों के दिन 20 तारीख को कथा विराम हो जाएगी, कथा का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी, कल का कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे रहेगा। जिन्होंने 6 दिन की कथा पूरी ना सुनी हो, वो आखिरी दिन की कथा बाबा जाते जाते क्या देकर चले जाए, दिल से श्रवण करना सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, और टीवी पर आएगी 1 बजे से 4 बजे तक। बड़े आनंद के साथ आज बैसाख महीने की शिवरात्रि है, बड़े भाव से आप लोगों ने जिन्होंने दान धर्म पुण्य करा है आपको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। आखिरी दिन जिस दिन विराम है, समापन वाला दिन है, श्री चिंटू जी वर्मा जी का खबर आई थी कि पेट्रोल पंप पर सभी के लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था आखिरी दिन कथा वाले के आखिरी दिन रहेगी वहाँ पर भी, और भाव के साथ में बहुत प्रेम से जो कथा चल रही है श्री कैलाजी पटेल जी द्वारा, बड़े आनंद के साथ देपालपुर की धरा पर जो कथा चल रही है बड़े भाव भक्ति से हो रही है। कथा का 5वां दिन हो गया। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर बैसाख के महीने में पूरे गर्मी के समय पर जो ठंडाई सत्तू जो बट रहा है, रोज प्रतिदिन ठंडाई चल रही है, छाछ चल रही है, दूध की कोल्ड ड्रिंक चल रही है, जिन जिन लोग सहयोग कर रहे हैं उनको साधुवाद है। आपका दान जो ऑनलाइन आप लोग बैसाख महीने में दिए हैं उसके लिए साधुवाद है। आज बैसाख की शिवरात्रि, बड़े आनंद के साथ जिन जिन ने जो जो दान किया है ऑनलाइन उन्हीं को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय, नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सद्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज 5वें दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। साथ में आरती के लिए मंच पर मौजूद आदरणीय कैलाश जी पटेल कथा के मुख्य यजमान, जिन्होंने ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर हम सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। आरती का समय हो चुका है, आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। हेलो जय जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरदाग्नि धारा, ओम हरे 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 महादेव, एक
कानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे जय हर सासन गरुड़ासन गरुड़ासन वाहन साजे ओ हर महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस बुद्धि अति सो है बोले दस भुज अति सो है। जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता वो दुनिया में कुछ भी बदलने की काबिलियत